जैसा कि आपने वीडियो के आगाज़ में देख ही लिया होगा कि मैंने अपनी वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दी है, जो ब्लॉगर की फ्री डोमेन पर है। उस पर एडसन अप्रूवल मिल चुका हुआ है और मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी है, इस वेबसाइट को सेल भी कर दिया हुआ है। मैंने बहुत सी वेबसाइट पर, बहुत सी वीडियो में इस वेबसाइट को आपके साथ शेयर किया भी हुआ है और मैंने इस वेबसाइट पर किस तरह एडसन अप्रूवल लिया, ये मैं आपको तमाम इसकी टिप्स देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आप मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ब्लॉगिंग की टिप्स में जैसे कि आते हैं एडसन अप्रूवल लेने के लिए, इस साइट पर मुझे 7 से 8 मरतबा लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ चुका था, लेकिन मैंने किया इसके स्टेप फॉलो किए जिसकी वजह से मुझे एडसन अप्रूवल मिल चुका था और मैंने इस वेबसाइट को अब सेल भी कर दिया हुआ है। और आप किस तरह एडसन अप्रूवल ले सकते हैं, मैं आपको क्या टिप्स देने वाला हूँ। नंबर वन पर आपका आर्टिकल, जो आप कंटेंट लिखते हैं वो आपका पावरफुल कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो कॉपी पेस्ट हो, जैसा मर्जी हो कंटेंट, लेकिन उसमें पावर होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कंटेंट को कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पब्लिश कर दिया। मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को जाकर देखें और आप जायज़ा लें मैं किस तरह आर्टिकल लिखता हूँ। और मैंने बताया हुआ है मैं किस तरह कॉपी पेस्ट आर्टिकल लिखता हूँ और मुझे उस पर एडसन अप्रूवल भी मिलता है। आप भी जाकर उस वीडियो को देखें, आप पहले सीखें आर्टिकल किस तरह मैं लिखता हूँ, आप पहले आर्टिकल लिखें। नंबर सेकंड पर आती है आपकी वेबसाइट की SEO, आप किस तरह SEO करेंगे, उसकी वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी देखें अपनी वेबसाइट की SEO करें। और नंबर थ्री पर जो मेन चीज़ आती है थीम, आप अपनी वेबसाइट के लिए कौन सा थीम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपने मेरी वेबसाइट पर थीम चेक किया हुआ है, इस पर मुझे एडसन अप्रूवल थीम पर मिला हुआ है और क्योंकि SEO फ्रेंडली थीम है इसलिए इस पर एडसन अप्रूवल मिला हुआ है। ये ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए थीम इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्री डोमेन की वेबसाइट हो या डोमेन की ब्लॉगर वेबसाइट पर, वर्डप्रेस पर यह थीम नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसलिए आप ये थीम इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी जो मैं पर्सनल कहता हूँ आप यही थीम इस्तेमाल करें क्योंकि मुझे इस पर एडसन अप्रूवल मिला हुआ है। आप न्यूज़पेपर वाला थीम इस्तेमाल ना करें, मैंने जैसे 2-3 वीडियो में पहले आपको वो थीम आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन उस पर मुझे एडसन अप्रूवल नहीं मिला और SEO फ्रेंडली भी थीम नहीं था, इसलिए मैंने थीम चेंज किया, मुझे एडसन अप्रूवल भी मिल चुका। आप अपनी वेबसाइट पर इस थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा, आप जाकर इस थीम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 3 से 4 स्टेप होते हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, एक आर्टिकल होता है, एक आपका थीम, एक वेबसाइट की SEO और जो नंबर 4 पर आती है आपकी पोस्ट फास्ट इंडेक्स। अगर आपकी पोस्ट फास्ट इंडेक्स होती है तो आपको एडसन अप्रूवल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर आपकी पोस्ट जस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाती है इंडेक्स, लेकिन आपको कोई भी इशू आ रहा है, आपने क्या करना है, तमाम की तमाम पोस्टें ड्राफ्ट में रख देनी है। ड्राफ्ट में रखने के बाद आपने न्यू पोस्टें पब्लिश करनी है, जिस तरह मैंने कहा आर्टिकल पब्लिश करो, उस तरह आप अपने वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करें और एडसन अप्रूवल आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। मेरी इस वेबसाइट पर 5 पेजेस हैं और 10 पोस्टें हैं, 15 पोस्टों पर मुझे एडसन अप्रूवल मिला है। जो पेजेस है वो भी मैंने पोस्टों के अंदर ही ऐड किया, पेजेस के ऑप्शन पर जाकर नहीं ऐड किया, और मुझे आसानी के साथ एडसन अप्रूवल 21 आवर्स के अंदर अंदर मिल गया था। अगर दोस्तों आपको मेरी ये दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।